गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं लक्ष्मी और आज हम फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 देखेंगे जो रिलीज़ हुआ है रिसेंटली, और ये प्रीलिम्स 2020 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं दोस्तों। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इसे रिलीज़ करती है, जिसको हम FSI कहते हैं। ये बायनियल असेसमेंट है, मतलब 2 साल पर ये रिलीज़ की जाती है, और ये 16th इन नंबर है। इसके पहले वाला रिपोर्ट 15 था, तो ये 16 है, आप ध्यान दीजिएगा। और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, इसको हम MEFCC भी कहते हैं। दोस्तों जो टोटल फॉरेस्ट कवर है वो है 712,249 स्क्वायर किलोमीटर, जो 21.67% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है। जो टोटल ट्री कवर है वो है 95,027 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 2.89% है ज्योग्राफिकल एरिया का। दोस्तों ये फॉरेस्ट कवर है, ये ट्री कवर है, फिर इसको ऐड करेंगे तो हमारा टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर आ जाएगा, और टोटल परसेंट भी आ जाएगा कितना है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ पर टोटल है 8,07,276, जो कि 24.56% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है। ये वैल्यू आपको याद करना काफ़ी ज़रूरी है, 24.56%। दोस्तों मध्य प्रदेश का लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है, अरुणाचल प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है। ठीक है, मध्य प्रदेश तो लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है, लेकिन उसके साथ आपको उसके एक दो स्टेट और भी आप जान लो, क्योंकि ऐसे क्रोनोलॉजी या फिर स्टेटमेंट पूछ दे तो फिर कंफ्यूज हो सकते हैं। जो मध्य प्रदेश है, मैक करके आप इसे याद कर सकते हैं कि पहले मध्य प्रदेश है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है। ठीक है, उसके बाद परसेंटेज वाइज दोस्तों मिजोरम का लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है। कवर वाइज, एरिया वाइज मध्य प्रदेश, परसेंटेज वाइज मिजोरम। दोस्तों जो फॉरेस्ट कवर इंक्रीज़ हुआ है वो कहाँ कहाँ इंक्रीज़ हुआ है, वो कर्नाटका में और आंध्र प्रदेश, केरला, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जम्मू एंड कश्मीर भी है जहाँ फॉरेस्ट कवर इंक्रीज़ हुआ है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। मैक्सिमम लॉस इन फॉरेस्ट ओवर द मणिपुर, मैक्सिमम लॉस कहाँ हुआ है, मणिपुर में हुआ है। एंड गुजरात हैज़ द लार्जेस्ट एरिया ऑफ वेटलैंड। तो अगर वेटलैंड एंड मैंग्रोव से क्वेश्चन बनने की काफ़ी प्रोबेबिलिटी रहती है, तो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा कि गुजरात में लार्जेस्ट एरिया ऑफ वेटलैंड है, और मैंग्रोव्स में वेस्ट बंगाल का लार्जेस्ट कवर है। दोस्तों 42% है टोटल वेस्ट बंगाल में जो मैंग्रोव कवर है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का। तो दोस्तों आप ये ध्यान दीजिएगा कि ये 50% से कम है, क्योंकि अगर ऐसे स्टेटमेंट पूछ दिया जाता है कि मैंग्रोव कवर जो है वेस्ट बंगाल में वो मोर देन 50% है, तो वो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा, 42% ही है। और यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा भी है, आपको पता होगा। दोस्तों कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर या फिर रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया किसे कहते हैं। तो यहाँ थोड़ा क्रॉप हो गया है। फॉरेस्ट कवर जो है, जिसकी ट्री कैनोपी डेंसिटी जो होती है दोस्तों वो मोर देन 10% हो, उसे कहते हैं। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया वो होता है जो रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होता है, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आता है। दोस्तों याद रखिएगा कि ये इसमें दो ही फॉरेस्ट आते हैं रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में, रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ट्री कवर क्या होता है, ट्री कवर ट्री पैचेस होते हैं, और जो मिनिमम मैपेबल एरिया होती है वो 1 हेक्टेयर से कम होती है, मतलब लेस देन ए मिनिमम मैपेबल एरिया ऑफ 1 हेक्टेयर। ठीक है, आप कुछ की टर्म्स ऐसे याद कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे ओपन फॉरेस्ट कैनोपी डेंसिटी 10 to 14%। ओके दोस्तों, जो ओपन फॉरेस्ट क्या होता है, तो ओपन फॉरेस्ट जो है, ओपन फॉरेस्ट जो है वो जिसकी कैनोपी डेंसिटी जो है वो 10 to 40% हो, और डेंस फॉरेस्ट किसे कहते हैं जिसकी जो कैनोपी डेंसिटी होती है वो 40% या अबव हो, उसे हम ये कहते हैं डेंस फॉरेस्ट। तो दोस्तों ये कुछ की पॉइंट्स थे जो कि मैंने कोशिश की आपको सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो एक्सप्लेन कर दूँ। तो इस लेक्चर में इतना ही। सो थैंक यू, एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब सिविल सर्विसेज ड्रीम।